नमस्कार, ये है वाव फैक्ट्स और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसी बातें जिन पर आप शायद यकीन करेंगे या नहीं। कर लेना क्योंकि सच बातें हैं। आज हम बात करेंगे 83 रुपए में इटली में आप घर खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी दुकान है सड़क के सहारे जिस पर लोग 1000 की चाय पीने के लिए भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है चाय में। और तीसरी हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो सिर्फ दूध बेचकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है। तो भैया शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आजकल लोग पाई पाई जोड़कर अपने सपनों का घर बना पाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश में ऐसा भी है जहां पर सिर्फ 83 रुपए में घर बेचा जा रहा है। हजारों विदेशियों ने केवल 83 रुपए देकर यहां पर घर खरीद भी लिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इटली की, जिसका स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन उनके घरों को बेच रही है। इन घरों को इटली के सिसिली द्वीप पर बेचा जा रहा है। 14वीं शताब्दी में बसे इस गाँव को अब शहरी जंगल में बदल दिया गया है, जहां ज्यादातर घर जर्जर हालत में हैं। इस कारण यहां के लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं और यहां के घर खाली रह गए हैं। अब स्थानीय प्रशासन इसे बेच रहा है। घर की बिक्री के बारे में स्थानीय लोगों के विरोध पर सिसिली के मेयर ने कहा कि हम इस गांव की आबादी बढ़ाने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए केवल 83 रुपए में घर बेचना शुरू कर दिया है। घर 100 रुपए से कम में बेचे जाने के पीछे कारण ये है, अब तक हजारों विदेशियों ने घर खरीद लिए हैं। हालांकि महापौर को अपनी इस योजना पर अब पछताना भी पड़ रहा है, क्योंकि लोग सभी सामने आ गए हैं और उन्होंने बोला है कि गांव हमारा है और हमारा घर है, तो प्रशासन उसे कैसे बेच सकता है। इसके जवाब में मेयर साहब का कहना है कि गांव में सारे घर खराब हैं, आबादी लगातार घट रही है, ऐसे में ये हमारा कर्तव्य है कि गांव को पहले की तरह हरा भरा बना दिया जाए, मतलब गाँव के घर बेचकर। अजीब है। चलिए अब बात करते हैं सड़क के किनारे एक ऐसी चाय की टपरी की जो 1000 रुपए की चाय बेचती है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारे दिन की शुरुआत करता है। ज्यादातर लोग सुबह और शाम को चाय पीते हैं, जबकि कामकाजी लोगों के चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता। ऐसे लोगों को तो दिन में 10 बार भी चाय मिल जाएगी तब भी वो मना ही नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को तो चाय की लत लग गई है और जब उन्हें चाय ना मिले तो वो चिड़चिड़ हो जाते हैं। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो आज हम आपको एक ऐसी ही चाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे भैया। जी हाँ, आमतौर पर हमें 1 कप चाय के लिए 5 या 25 रुपए तक के बीच में देने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम आपको जिस चाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी कीमत 1000 रुपए है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रहने वाले पार्थ प्रतिमा गांगुली मुकुंदपुर में चाय की दुकान चलाते हैं। पार्थ की दुकान पर 12 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की चाय मिलती है। उनकी ये दुकान पूरे कोलकाता में प्रसिद्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में घूमने आने वाले लोग निर्जस की चाय पीना नहीं भूलते हैं। हैरानी की बात यह है कि पार्थ की दुकान किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं बल्कि सड़क के किनारे बाकी चाय की दुकानों की तरह ही है। पार्थ की दुकान 100 अलग अलग किस्म की चाय बनाती है। इनमें सिल्वर, नीडल, व्हाइट टी, लेवेंडर टी, हिबिस्कस टी, वाइन टी, तुलसी जिंजर टी और पता नहीं कितनी सारी टी आपको मिल जाएंगे। पार्थ की दुकान पर मिलने वाली बोले टी की कीमत 1000 रुपए है। जी हाँ, बोले टी, बोले टी। दरअसल इस चाय में डाली जाने वाली बोले चाय की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो होती है। यही वजह है कि इसके 1 कप चाय की कीमत 1000 रुपए है। पार्थ ने साल 2014 में चाय की दुकान खोली थी। इससे पहले वो नौकरी ही करते थे। चाय की दुकान में कमाई शुरू कर दी है। चलिए अब बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो दूध बेचकर करोड़ों रुपए कमाती है। दुनिया में कब किसकी किस्मत खुल जाती है भैया, पता ही नहीं चलता। हमारी तो नहीं खुल रही अभी, है ना। खुल जाएगी, कोई बात नहीं। साल 2020 में जहां पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, ये महारानी गर्दा काट रही थी। ऐसे में एक महिला की किस्मत ऐसे चली पड़ी थी जैसे कि भाई साहब क्या ही बोले। आज वही महिला लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। बताया जा रहा है कि केवल दूध बेचकर इस महिला ने साल 2020 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है, सिर्फ दूध बेचकर। ये कहानी गुजरात की रहने वाली 62 साल की नवलबेन दलसंगबाई चौधरी की। बताया जा रहा है कि नवलबेन ने साल 2020 में कीर्तिमान स्थापित किया। इस साल जहां लोग हर चीज के लिए परेशान थे, ऐसे में उन्होंने एक साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का दूध बेचा। जानकारी के मुताबिक नवलबेन ने ये मुकाम अपने दम पर हासिल किया। इस काम के लिए नवलबेन की अब हर ओर तारीफ हो रही है और लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नगाना गांव की रहने वाली नवलबेन ने काफी कम लागत में पशुपालन व्यवसाय को शुरू किया था, लेकिन आज उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके पास 80 भैंस हैं, 45 गायें हैं, जिससे वो रोजाना 1000 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। बात अगर महीने की आमदनी की हो तो नवलबेन
इससे हर महीने 3,50,000 रुपए का मुनाफा करती हैं। वही वाह, समझ गए, मतलब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दिल लगा कर करोगे तो दूध भी आपको करोड़पति बना सकता है। तो फिर क्यों यार तुम बैठे हो घर में? ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वाह फैक्ट्स, और अगर आपकी कोई राय है तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऋषि को दीजिए इजाजत यानी मुझे नमस्कार।